दोस्तों बिजनेस करने से पहले उसका अनुसंधान करना चाहिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि क्या जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छे तरीके से उसके बारे में पता होना चाहिए। और वही सब चीज़ जब आप अच्छे तरीके से अनुसंधान करने के बाद उस बिजनेस में उतरते हैं तो आने वाले समय में उसमें आप सफलता पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो पल्वराइजर के ऊपर रहने वाली है और आज इस वीडियो में पल्वराइजर की सच्चाई आपको बताऊंगा कि कैसे 60 रुपए के चीज़ को आपसे 2000 रुपए वसूला जाता है। जी हां, 60 रुपए के चीज़ को आपसे 2000 रुपए वसूला जाता है। और साथ ही जो मशीन आपको 25,000-30,000 रुपए में मिलना चाहिए उससे आपको 50,000-60,000 रुपए वसूलने पड़ते हैं, तो आधी कमाई तो आपका वहीं से खींच लिया जाता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक चीज़ दिखाऊंगा आपको कि आप ये नज़दीक से एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इसके ब्लेड को देख सकते हैं जिसको दाता कहते हैं, फिर इसके जस्ट बगल में जो है इसके दाता को देख सकते हैं, इसके पीछे में जो है इसके दाता को भी आप देख सकते हैं, फिर इधर भी जो है इसके दाता को भी देख सकते हैं। तो तमाम जानकारी जो है आज पल्वराइजर के ऊपर रहने वाली और काफ़ी अच्छी जानकारी, इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और यकीन मानिए दोस्त कि अगर आज आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं तो आने वाले समय में जो भी ग्राइंडिंग बिजनेस आप करना चाहते हैं उसकी आप सहनशाह होंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कंपनी में। सर देखिए, लोग बिजनेस तो शुरू करते हैं लेकिन अच्छे तरीके से उनको जानकारी, जो जानकारी उनको जुटाना चाहिए वो जुटाते नहीं और सीधे कर लेते हैं और कहीं ना कहीं एक नुकसान वहाँ भी उनको उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि जैसे आज पल्वराइजर में मतलब लूट मचा है, 60 रुपए का चीज़ जो है 1500-2000 रुपए उससे वसूला जाता है, कैसे इस लूट से बचा जाए, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके कोई भी व्यूअर या कोई भी भाई को अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस करना है तो सबसे पहला चीज़ होता है कि उस बिजनेस के बारे में सही जानकारी। बिल्कुल ठीक है। और बिजनेस के बारे में, बिजनेस कैसा है, इसका मार्केट कहाँ है, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, जैसे हर एक बिजनेस की बात करते हैं तो 3-4 चीज़ पे आपको ध्यान केंद्रित करना होगा और उसमें से आप एक भी मिस करते हैं तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं फॉलोअप करेगा। तो आज हम बात करेंगे पल्वराइजर मशीन की, जिसको गांव के भाषा में लोग आटा चक्की बोलते हैं। ठीक है, मशीन तो एक है लेकिन इसमें जितना जिस तरीके का आपका सोच होगा उस तरीके से आप इससे पैसा छाप सकते हैं। आपके दिमाग पे, आपके सोच पे, आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसमें पैसा आप कमाएंगे। तो दोस्तों अभी आगे हम बहुत सारी सर से जो है इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेंगे, सर के पास एक अच्छा अनुभव है। और एक चीज़ और आप बता दूं आपको कि आप आज पल्वराइजर का रेट सुन के जो है चौंक जाएंगे, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आज हम सर से पूछेंगे। सर सबसे पहले जो हमारे पास कुछ मशीनें पड़ी हैं तो इसको पंजाब मॉडल क्यों कहते हैं सर? देखिए पंजाब मॉडल इसलिए कि पहला यह जब बना था तो यह पंजाब में ही बनना शुरू हुआ था। अब हम लोग बिहार में भी बनाना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भैया बाहर का लाया हुआ, तो जस्ट अगली वीडियो में आपको यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ आपको दिखाएंगे। पहले भी एक वीडियो हम दिखा चुके हैं कि बन रही है, तो बनता हुआ भी मशीन आपको मिलेगा। हम लोग सारा पार्ट्स अवेलेबल करा लिए हैं, मशीन यहीं पे असेंबल करते हैं। और मशीन का जो रेट सस्ता होने वाला है इसका कारण है कि ना कि हमको GST लगता है कहीं चलाने में, ना ट्रांसपोर्टिंग लगता है, ना ही जो कंपनी बना रही है उसकी बीच की मार्जिन मनी देनी होती है, इसलिए हमारा मशीन का रेट सस्ता है। हम यहीं बनाते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल हम GST में खरीदते हैं और हमारा जो सारा प्रोडक्शन है यहीं पर होता है। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई कि देखिए कहीं भी अगर मान लीजिए कि तीन कोई आदमी है XYZ, तो अगर XY से खरीदता है और YZ से खरीदता है तो बीच में जो गैप होता है मार्जिन मनी जो है वही बढ़ता है और बीच में ऑब्वियसली बात है कि कोई काम करेगा तो दो पैसे कमाना चाहेगा। तो ऐसे ऐसे अलग चैनलों से जब आपका मशीन गुजरता है तो आपका जो रेट 25,000-30,000 रुपये में आपको जो मशीन मिलनी चाहिए थी वो 50,000-55,000 रुपये में मिलता है। तो तमाम अभी जानकारी अभी और हम सर से लेंगे, उसके पहले सर ये बताइए कि जैसे ये आज एक डाउट तो मेरा भी क्लियर हो गया कि पंजाब मॉडल क्यों कहते हैं जबकि बनाते आप हैं यहाँ बिहार में, तो ये एक डाउट क्लियर हुआ। दूसरा चीज़ ये बताइए सर कि जैसे ये मशीन है, क्या खासियत है इस मशीन की? देखिए अब मशीन सबसे मार्केट से बिल्कुल अलग हटके है,
क्वालिटी वाइज बात कीजिए तो क्वालिटी कहीं ना कहीं 100% अलग है। जो पहले का मशीन है उससे 200 गुना इसकी क्वालिटी अलग हैवी बनाया गया है, अच्छा बनाया गया है और मजबूत भी बनाया गया है। इसका एक एक पार्ट की बात कर ले, इसकी चेम्बर की बात कर ले, इसकी ब्लेड की बात कर ले, इसमें जो पेटिशन लगा हुआ है उसकी बात कर ले, इसकी जो दांता है वह 12 mm प्लेट में है। बहुत लोगों को तो एमएम पता भी नहीं होता है, लेकिन 12 mm प्लेट में हैवी बना हुआ है। इससे क्या है कि आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगी और क्वालिटी भी बेहतर होगी। और ये तो सर साइक्लोन वाला है, बिना साइक्लोन का उधर भी एक मशीन है। बिल्कुल, बहुत सारे भाई के पास बजट नहीं हो पाता था कि साइक्लोन वाला नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए हमने बिना साइक्लोन का सेम मशीन बनाया है। सारा चीज़ देख सकते हैं कि वही चेम्बर है, वही हॉपर है, वही जाली है, बिना साइक्लोन का। इसमें आपके लो बजट में, माने बजट आपका होगा मशीन मेरा होगा, आपके अंदर अगर बिजनेस करने की तमन्ना है कि बिजनेस हम करेंगे तो आप एक बार हमारे कंपनी में ज़रूर विजिट करें जी। मेरा काम है आपके बिजनेस को स्टार्टअप कराना। बिल्कुल सर, ये जैसे एक चीज़ और यहाँ पूछ लेते हैं कि जैसे साइक्लोन अगर मशीन में जो इनबिल्ट है तो क्या फ़ायदा क्या होता है उससे? देखिए, साइक्लोन में लोगों को बिहार में एक मानसिकता हो जाती है कि भैया साइक्लोन ही चाहिए। साइक्लोन इसलिए बनाया गया था कि आटा आपका ज़्यादा गर्म नहीं हो, गर्म हो के नहीं निकले, ठंडा हो के निकले। तो साइक्लोन भी होता है तो उसमें भी है, अगर साइक्लोन से भी निकला हुआ आटा को छूते हैं तो हल्का गर्म आएगा ही, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि साइक्लोन से आटा ठंडा हो के निकलेगी, उसमें एक पंखी लगी हुई है, उससे कुछ हद तक आटा ठंडा हो जाती है। एक चीज़ और सर, आप काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं कि जैसे पल्वराइजर में लोग क्या करते हैं कि जो जाली 60-70 रुपये में होता है उससे लोग 1500-2000 रुपये तक वसूलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, जो जाली 100-150 रुपये की, 60-50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की होती थी, उसमें लोग 2000-2000 रुपये भी लेते थे और नखरा भी दिखाते थे। हो सकता है कोई कस्टमर मेरे यहाँ से मशीन ले गए, इनकेस अगर मेरे पास जाली नहीं है तो दूसरी कंपनी में अगर वो जाली के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको 2000-3000-3000 रुपये तक भुगतान करना पड़ता है। बिल्कुल की बात है। तो इस मशीन में सबसे बड़ी चीज़ हमने जाली चेंज कर दिया कि आपको कहीं भी लूट का जो है शिकार नहीं होना पड़ेगा। आप जहाँ हैं, जिस मार्केट में हो, वहाँ हार्डवेयर में जाली मिलती है, आप जाली खरीद ले, एक सीट अगर लेते हैं तो आपको 50-100 जाली निकलेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये आप सीट जो देख रहे हैं, सिंपली जो है हार्डवेयर के दुकान में जाएंगे तो पत्ती जैसा होता है और आप बोलेंगे तो वहाँ आप एक पत्ती भी ले सकते हैं या कटवा के भी चाहेंगे तो ले सकते हैं और काफ़ी सस्ता ये पड़ता है। सर, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक सीट ही एक बार ले लें और अपने घर में ला के रख लें। एक सीट लेंगे तो 1-1500 रुपये का होगा, उसमें 25-30-40 साल 2 साल 4 साल तक आसानी से आप करते रहेंगे। जब आपका जाली डैमेज होता है आप साइज काट के उसमें लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सर कि पल्वराइजर में जो है बहुत सारे लोग जो हैं, जो रेट आपने बताया सुन के तो बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या 5 HP के पल्वराइजर का क्या रेट इतना सस्ता हो सकता है क्या, तो इसके बारे में बताइए कि 5 HP का जो आपके पास पल्वराइजर है उसका क्या रेट है? देखिए, मात्र मेरे यहाँ पल्वराइजर की बात करें तो मेरे यहाँ 20,000 से पल्वराइजर स्टार्ट है, लेकिन आम तौर पे जो आपको थोड़ा सा बढ़िया पल्वराइजर चाहिए, आपको चलाना है, तो 25,000 की है, 28,000 की है, 30,000 की है, 35,000 की है, जैसा लेंगे। 5 HP में मेरे पास 4 से 5 मॉडल पल्वराइजर है, और जितने HP की है 7.5 में भी आपको 4-5 मॉडल मिल जाएंगे, 10 में भी मॉडल मिल जाएंगे। मॉडल हमसे ज़्यादा मॉडल आपको बिहार में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सर कि जैसे ये जो मशीन है, सबसे पहले ये वजह बताइए कि काफ़ी हैवी मशीन है, क्या वजन होगा इसका? इसकी वजन की बात कर रहे हैं तो 250 kg नेट वेट आती है इसकी, कहने की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी व्यूअर इसको ले जाकर वेट कर सकते हैं। मार्केट में जो पल्वराइजर हम लोग भी बनाते हैं, हल्की पल्वराइजर, उसकी वेट 120-150 kg तक रहती है, और इसकी वेट की बात करें तो आपको 250 kg वेट आ गया, सब कुछ हैवी लगा हुआ है। इसकी ब्लेड की ही बात करें तो 25 kg का ब्लेड आता है इसका, आगे जो देख रहे हैं 15 kg का है, अंदर वाली ब्लेड 10 kg का है। तो सिर्फ ब्लेड जो है इसमें 25 kg का है? बिल्कुल। इसकी चैम्बर की बात करें तो 40-45 kg की चैम्बर आती है। क्या रेट क्या होगा सर इसका? इस बिल्कुल अमेजिंग रेट है इसका, मशीन भी अमेजिंग, रेट भी अमेजिंग है, धमाका। और मात्र 55,000 रुपये में ये मशीन आपको दे देंगे। सिर्फ 55,000 रुपये में? मात्र 55,000। तो ये 10 HP की इतनी हैवी मशीन सिर्फ 55,000 रुपये में मिलेगी?
बिल्कुल 10 HP की मशीन जो है मैं आपको 55,000 रुपये में दे दूंगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अगर इस मशीन का आप मार्केट में पता लगाएंगे 1,000 से 95,000 लाख रुपए भी आपको क्रॉस करके बताया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ अब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है आप यहाँ आकर चीज़ों को खरीदते हैं तो सिर्फ 55,000 रुपये में आपको पड़ता है। 55 और 90 जो बोले हैं इसका भी क्लियर कर दें कि हम 55 में क्यों दे रहे हैं, लोग 90 में क्यों दे रहा है। तो यह मशीन जहाँ बनती है, भारत के अलग अलग राज्य में बनती है, पंजाब में बनती है, गुजरात में बनती है, महाराष्ट्र में बनती है, दिल्ली में भी बनती है, बहुत स्टेट में बनती है। तो जो भाई बना रहे हैं उनको भी तो 10 से 15% तक की मार्जिन चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनकी भी कंपनी है, तो 10 से 15% की मार्जिन हो गई। मशीन हैवी है तो इसको 5 से 7 हज़ार रुपया लाने में खर्च होता है, प्लस इसकी GST लग गई, तो 15-20 हज़ार तो एक्स्ट्रा बढ़ गया। फिर हमारे जो भी भाई ला के इसको बेचेंगे उनको भी तो कुछ चाहिए 10-15-20 हज़ार रुपये, तब बेचते हैं। इसलिए 55 और 90 का फंडा यही है, तब जाके 90 में लोगों को मिलती है। तो दोस्तों ये फंडा है कि 55,000 रुपये का चीज़ जो है आपसे 90,000 रुपये वसूला जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम अभी रेट आपको बताए हैं, कोई भी हम पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप मार्केट को विजिट करें, 2, 4, 5 कंपनियाँ, बहुत मैन्युफैक्चर भी होंगे, बहुत ट्रेडर भी होंगे, आप वहाँ विजिट करके उनकी क्वालिटी देख लें, उनका रेट देख लें, उनका सर्विस देख लें, फिर एक बार मशीन लेने से पहले यहाँ भी आएँ, विजिट करें, मशीन देखें, मशीन की क्वालिटी देखें। देखिए कलर पे नहीं जाइए, कलर तो हल्की में भी ब्लू हो सकता है और हेवी में भी ब्लू हो सकता है। यहाँ सामने में वीडियो में क्वालिटी दिखता नहीं है, सामने में आकर क्वालिटी देख ले, फिनिशिंग देख ले, सब इसका फंक्शन देख ले। अगर मार्केट से सस्ता मेरे यहाँ है, क्वालिटी वाइज अगर बेहतर है, तो हम तो मशीन ले, अन्यथा कहीं भी ले सकते हैं। देखने का कोई भी चार्ज मेरे यहाँ नहीं है, आप लीजिएगा तो भी वही रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं लीजिएगा तो भी वही रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप मशीन कहीं से ले भी लेते हैं, आपका ब्लेड चैम्बर कुछ भी डैमेज होता है, तो भी आप मेरे यहाँ से आकर ले सकते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं मशीन। बिल्कुल दोस्तों, तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है, कोई एडवांस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आइए और हाथों हाथ जो है आपको यहाँ मशीन मिल जाएगी। क्या सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, मेरे यहाँ किसी भी मशीन की एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आने में सक्षम है, आइए, मशीन पसंद कीजिए, सामने में मशीन चेक कीजिए और पेमेंट कीजिए, आप लेकर चले जाए। अगर बिहार से बाहर के आने में सक्षम नहीं है, तो सिर्फ आप GST अमाउंट और ट्रांसपोर्टिंग अमाउंट हमारे कंपनी अकाउंट में डालें, जब मशीन आपके दरवाजे तक, आपके दरवाजे पे मशीन पहुंच जाए, जो मशीन मैंने दिखाया अगर वही मशीन है, तो आप रेस्ट पेमेंट कर दें, आपके दरवाजे तक हम फ्री पहुंचाएंगे। सारा स्टॉक में है, तो सारा मशीन जो देख रहे हैं सारा ऑर्डर में है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आएगी, सारा मशीन यहां से चला जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कोई एडवांस का आपको फंडा नहीं है, और एडवांस के चक्कर में ही जो है कई बार लोग जो है फंस जाते हैं। छोटे छोटे जो है डीलर बैठे रहते हैं, 1-2 मशीन लेके और एडवांस लेते हैं, और 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1-1 साल तक लोग लटकाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सीधे आइए और पैसा दीजिए और मशीन यहाँ से लेकर जाइए। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो सिर्फ GST अमाउंट और ट्रांसपोर्टेशन का देना पड़ता है। कि मेरे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि 3 HP से 25 HP तक एट अवेलेबल रहता है, स्टॉक में रहता है, आपको कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि मशीन अगर आपको मंगवाना है, आने में सक्षम नहीं है, तो ओनली फॉर GST अमाउंट और ट्रांसपोर्टिंग मेरे कंपनी अकाउंट में डाले, आपके घर तक मशीन पहुंच जाएगी, मशीन देख के संतुष्ट हो ले, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। GST अमाउंट इसलिए कि वो तो मेरा है नहीं, वो तो सरकार का टैक्स है, बिना GST के हम मशीन भेज नहीं सकते हैं। तो आप जो दे रहे हैं वह सरकार का टैक्स दे रहे हैं, और ट्रांसपोर्टिंग इसलिए ले रहे हैं कि ट्रांसपोर्टिंग अगर आप जमा कीजिएगा तब तो मशीन भेजेंगे, इनकेस अगर आप वहाँ रिसीव नहीं करते हैं तो वही पेमेंट देकर मैं अपना मशीन फिर वापस मंगा लूँगा। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि फ्री में मशीन मिलेगी, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है। अब सर ये बात करते हैं कि जैसे कोई मशीन लेता है तो क्या गारंटी वारंटी आप देंगे? कोई भी आदमी मशीन लेते हैं, हमारी हर एक मशीन पे 1 साल की वारंटी है। 1 साल की वारंटी? हाँ, गारंटी नहीं है, वारंटी है। गारंटी में होता क्या है कि अगर ख़राब हो गया तो चेंज करके देना है। कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जो कि गारंटी होती है, जो कि रिपेयरिंग नहीं होता, उसकी गारंटी देते हैं और मशीन की वारंटी देते हैं। तो 1 साल की सर वारंटी मिलेगी? हाँ, 1 साल की फुल्ली वारंटी मिलेगी।
कहाँ कहाँ ये मशीनें सर उपलब्ध करा सकते हैं आप? ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य के किसी भी गांव में अगर आपको मशीन चाहिए तो बस आप अपना मन बनाइए कि हमें मशीन लेना है, मशीन पहुँचाना आपके दरवाजे तक मेरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है विप्लव सर और हेलो डिस्पोजेबल सर की कंपनी है जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में है और एक बड़े मशीन मैन्युफैक्चरर सर की कंपनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कंपनी का जो है आगे यहाँ मशीनें बन के रखी रहती है और पीछे साइड जो है मशीनें मैन्युफैक्चर होते रहती है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने कंपनी का नंबर दे दिया है। जो भी भाई अगर लघु उद्योग के किसी भी तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो सिर्फ पल्वराइजर नहीं लगभग 150 मशीनों का निर्माण सर की कंपनी करती है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।